हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पद्मजा एंड वेलकम टू माय किचन। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ भिंडी दो प्याज़ा। भिंडी दो प्याज़ा रोटी और पराठे के साथ खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है और ये बहुत ही कम चीज़ों में बन के तैयार होता है। इसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर मैं भिंडी ली हूँ 300 ग्राम। भिंडी को मैं अच्छे से धो के साफ़ करके इसको मैं टावल में ड्राई करके इस तरह से काट ली हूँ छोटे छोटे पीस करके। यहाँ पे हमको चाहिए आधा कप स्लाइस किया हुआ प्याज, एक मीडियम साइज़ का प्याज लगे मैं इस तरह से स्लाइस करके काटी हूँ, और आधा कप इस तरह से डाइस किया हुआ प्याज हमको चाहिए। और बाकी जो मसाले हमको चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन चढ़ाएंगे। पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। इस रेसिपी में थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल यूज होता है तब भी ये बढ़िया लगता है। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा को अच्छे से चटकने के लिए छोड़ देंगे, कुछ ही सेकेंड में ये चटक जाएगा अच्छे से। फिर इसमें हम डाल देंगे आधा कप स्लाइस किया हुआ ऑनियन। अच्छे से इसको मिला के सॉटे कर लेंगे। जब तक हमारा प्याज जो है वो थोड़ा सा नरम ना हो जाए तब तक हम इसको भून लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा प्याज नरम हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। साथ में हम इसमें डाल देंगे, मैं इस तरह से स्लाइस करके एक मिर्ची डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से, आप कितना स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उतना आप मिर्ची डालिएगा। सबको अच्छे से मिला के हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि जो जिंजर गार्लिक का जो स्मेल होता है रॉ वाला स्मेल वो चला जाए। फिर हम इसमें मिला देंगे भिंडी को। भिंडी को डाल के अच्छे से इस तरह से मिला के बिना कुछ डाले इसमें इसको सॉटे करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए यहाँ पे 2 मिनट हो गया है सॉटे करते हुए भिंडी को। अभी हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, यहाँ पे डालेंगे 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। सारे मसाले मिलाने के बाद अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम अच्छे से मिला लिए हैं भिंडी को मसालों के साथ। अभी हम इसमें मिला देंगे नमक। नमक आपको स्वाद के हिसाब से डालना है। नमक डाल के अच्छे से मिला लेंगे। इस रेसिपी को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये आधा पक चुका है भिंडी, ये देखिए। अभी हम इसको कवर कर देंगे। कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 3 मिनट हो गया है और ये हमारा भिंडी जो है वो ऑलमोस्ट कुक हो गया है। आई होप आप देख सकते हैं, ये देखिए ये ऑलमोस्ट कुक हो गया है। अभी हम इस स्टेज पे डाल देंगे हम जो डाइस करके रखे थे प्याज को, जैसे मिला लेंगे। हमें इस प्याज को एकदम पकाना नहीं है, इसे कच्चा नहीं रखना है कि ज़्यादा पकना नहीं चाहिए। बस 1 मिनट तक हम इसको बिना ढके इस तरह से चलाते हुए सॉटे करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा भिंडी और प्याज अच्छे से पक गए हैं। अभी हम इसमें डाल देंगे कुछ हरा धनिया चॉप किया हुआ, अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से मिलाते हुए इसको हम हार्डली 1 मिनट तक कुक करेंगे। और यहाँ पे हमारा भिंडी दो प्याज़ा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, ये खाने में उतना ही लाजवाब लगेगा दोस्तों। चलिए फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसको बाहर निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म भिंडी दो प्याज़ा को आप रोटी और पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया लगता है रोटी और पराठों के साथ। ये देखिए, उम्मीद है सबके रेसिपी मेरा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।